चाचा है वो लड़की का, और उसने हमको मालूम नहीं है वैसे, लेकिन रेप किया है उसका लड़की का, तो लड़की ने कंप्लेंट किया है। दो दिन से पहले से वो आदमी उसके साथ में कांड कर रहा था, उसका चाचा, दो दिन पहले से उसके साथ में सब चल रहा था। वो तीसरे चौथे दिन जाके अपनी माँ को बोली है, हाँ, तो पता ही नहीं था कि अगर वो नहीं बोलती, और अगर वो नहीं बोलती कई दिनों तक शायद नहीं पता चलता। हमारी मांग ये है उस आदमी को मिलना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए अपराधी को, उसको सजा होना चाहिए। गोली खड़े खड़े मार देते, कुछ मिनट लटका दो उसको। दिन में दारू पीता था, रात को चोरी करता था वो। ऐसे लोगों का, ऐसे रेपसिस का प्राइवेट पार्ट काट दो या फांसी दे दो उसको चौराहे पे लाके। मेन बात, एक दिन में नोटबंदी हो गई, एक दिन में लॉकडाउन लग गया है, हाँ, एक दिन में सरकार चेंज हो गई है भाई, और क्या चाहिए? एक दिन में कानून क्यों नहीं चेंज हो सकता? कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सब, ये बताइए। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ, मैं उज़ैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा इन दिनों लगातार बलात्कार का मामला सामने आ रहा है, इसी तरीके से एक मामला मानकुर का सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कई महिलाएं इकट्ठे हुए हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर। क्या नाम है खाला, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। ये क्या हुआ है, कहां पर क्या कुछ, आप लोग यहां पर क्यों आए बताइए? हम तो देखो आजू बाजू वाले हम, और जो लड़की है ना वो, मतलब वो लड़का की भतीजी है, तीन बच्चे हैं उस पे, लड़का पे चाचा है वो लड़की का, और उसने हमको मालूम नहीं है वैसे, लेकिन रेप किया है उसका लड़की का, तो लड़की ने कंप्लेंट किया है। लड़की कितने साल की है? 15 साल की रहेगी, इतनी बड़ी है, 14 की, ये 15 की रहेगी, इतनी है बस। हाँ, हमारे दो घर है, दो घर से तीसरा घर उनका है, तीसरा घर देखो इनका घर, हम इनका घर, हमारा घर पास में ही है, और हमको पता भी नहीं, चार दिन में पता चला आज हमको। लड़की है, उसके कोई माता पिता नहीं है? माँ बाप नहीं है, माता पिता सब मर गए, दोनों मर गए। चाचा संभालते नहीं, दादी ने पाले थे, दादी ने पाले थे बचपन से बच्चे, लड़की 1 साल की थी, लड़का हुआ था, तो ऐसे ही बाप तो पहले खत्म हो गया, माँ बाप में मर गए। आपका नाम बताइए? मेरा नाम कांति, हाँ, उधर ही रहती मैं। हम लोग हो गए 40 साल, 35 साल, 40 साल। बच्ची के साथ ये घिनौनी हरकत किया गया उसके चाचा द्वारा, ये कब से करता था उसके साथ इस तरीके का? मालूम नहीं है, हमको मालूम पड़ा 2 दिन के बाद, और हमको मालूम पड़ा था, हमने ऑब्जेक्शन उठाया इधर। अच्छा। हाँ, हम लोग पुलिस चौकी में भी आए थे और बोल के गए थे साहब को रात को भी। अच्छा। हाँ, तो साहब ने मामला दर्ज किया है? ना, कर रखा कहिए साहब ने मामला दर्ज बताया, साहब ने बोला हम लोग ने कर रखा है मामला दर्ज कर रखा। हाँ, बोला था तो, साहब ने। हाँ। अभी देखो एरिया कौन सा है? सोनापुर जयहिंद नगर वाल्मीकि का मंदिर, नहीं सोनापुर जयहिंद नगर वाल्मीकि जी का मंदिर। अच्छा, वाल्मीकि जी के मंदिर। हाँ, तो जो चाचा था जो मतलब इसकी परवरिश करता है, मतलब आप बताइए दादी परवरिश करती, तो ये सब एक साथ में रहते? हाँ, एक ही साथ रहते, घर में ही रहते एक में। अच्छा। हाँ, सब लोग साथ में रहते। तो लगातार इस तरीके की खबर आती है, कितना डर बना हुआ है, कितना असुरक्षित महसूस करते हैं? हम लोग भी डरते थे उससे, हम भी डरते हैं, वो गाली देता था हरामी, हम कुछ बोलते थे बच्चे ने क्यों मारता है तू, गाली देता था हमको, खुद डर लगता था उससे। तो घर की तरफ देख, हम झगड़े से राजी नहीं है, पर हमको मालूम नहीं हो रहा कहीं ऐसा कांड कर रहा है। तो वो गाली क्यों देता, किसको गाली देता? बच्चे लोग को गाली देता है, उनको भी गाली देवा, आजू बाजू लोग को भी गाली देता है। उसके घर में झगड़ा करेंगे ना वो लोग, तो हम देखने निकलेंगे ना घर में से, तो हमको गाली देगा, मतलब गंदी गंदी, बहुत गंदी गंदी, तो हम उसके तरफ देखते नहीं, घर की तरफ नहीं देखते। क्या बोलते? गाली देता था, बोले भोसड़ी इधर देखते चले जाए, हमारे घर में ऐसा बोलता था, जाओ माँ चोट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे ही बोलता है वो सामने से। यानी अगर आप लोग उनके घर में देखते थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आस पड़ोस वाले का काम होता है कि अपने आसपास में देखे क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ होता है तो आस पड़ोस वाले की भी जिम्मेदारी बनती है, इसके तौर पे आप लोग देखते थे तो आप लोग को देखने अत्याचार करता था, बहुत मारता था, दोनों बच्चे इनको मारता, बुड्ढी को भी मारता था, और रात दिन में दारू पीता था, रात को चोरी करता था वो। अच्छा। हाँ, वो ही काम था उसका, और एक सपोर्ट देने वाली थी उसकी चाची मुनेश। हाँ। वो पैसा देती थी, दारू पिलाती थी रोड पे। अच्छा। हाँ, खुले मैदान। जो उसके खुद के बच्चे से आप बता रहे, तीन बच्चे का, वो कितने? दो बच्चे, वो लड़के पे तो दो ही बच्चे, दो ही बच्चे। हाँ, दो उसके भाई के थे, लड़की लड़का। तो आप लोगों को कब पता चला ये चीज के बारे में? 2 दिन के बाद मालूम पड़ा है, 2 दिन के बाद में मालूम पड़ा हमको। अभी वो लड़की किधर है? जिसके लड़की बोले, पुलिस वाले बोले हमारे साथ है। हाँ, ऐसे बोले सर, मैं तो काम पे जाती हूँ, घर में बच्चे अकेले रहते हैं, अभी हमने सुना बाहर। आपके घर में भी बच्चे होंगे है ना सर, लड़की, कितना अभी डर बना हुआ रहता है, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में बड़ी बड़ी है, इसके लिए तो मैं आई हूँ,
कभी हमारे घर में घुसेगा। जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी। हमारे घर में और कोई नहीं है, हमें है, दो लड़की है मेरी, दो तीन लड़की है, एक लड़का है बस, और मैं हूँ। काम पे चली जाती हूँ, डर लगता रहता है उधर से, हम मेरे को चिंता होती है सर, इसके लिए तो मैं आई हूँ। अच्छा, मुंबई पुलिस ने एक निर्भया स्क्वाड बना, उस बारे में जानती है आप लोग कुछ? नहीं सर, ये तो नहीं, पढ़ी लिखी नहीं हो इतनी, नहीं मालूम है सर, नहीं मालूम है हम इतने। स्क्वाड जब साकीनाका में कांड हुआ था, आप लोगों को बताता हूँ, तो उसके बाद में एक निर्भया स्क्वाड बनाया गया था पुलिस का, ताकि तो पूरे मुंबई में महिला सुरक्षित रहे। 10 बजे के बाद महिलाओं के ऊपर खास करके एक टीम बनाई गई थी, तो वो टीम आप लोग के क्षेत्र में नहीं आती है क्या? नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं आती है। अचानक कैसे आ गए ये लोग, ये मैडम आ गई है तब हम आए इनके साथ। अच्छा, ये मैडम नहीं आती तो कोई आता नहीं? नहीं, कोई नहीं आता, मैं तो काम पे से आई, कोई भी नहीं आता। ये आज पता नहीं किसके वजह से ये आए, जो हम इसके मुद्दे पे खड़े हुए। आप लोग चाहते हैं क्या, आप लोगों की मांग क्या, आप लोगों की सुरक्षा में क्या कुछ ऐसा बढ़ोतरी किया जाए? फांसी लगनी चाहिए, हमारी मांग ये है, उस आज्ञा को मिलना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए अपराधी को। सर देखो, मेरे को लग रहा है डर, मेरा घर पास में ही है मेरे। सर मेरी बात सुनो, मेरे को लग रहा है डर। देखो मेरी लड़की बड़ी बड़ी है, और वो आदमी है ना, घर पे आएगा, अगर छोड़ दिया ना और वो घर पे आया तो हमारी गली में हमको नहीं छोड़ेगा, सच में। और हमको, मुझे आप लोगों का भी इतना डर बना, अगर आप लोग ये कैमरे के सामने बोल रहे हो या पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, अगर वो उसको मालूम पड़ेगा कि आप लोग उसके खिलाफ में इस तरीके कर रहे हैं तो आप लोगों को मार देगा। इसके लिए बहुत सारी औरतें आई नहीं, मैं तो भी हिम्मत करके आ गई हूँ। बोलो, मेरे घर में आदमी नहीं है कोई, मैं औरत हूँ और लड़की है मेरी तीन है, तो मेरे को आना ही पड़ेगा ना। सर काम करती हूँ मैं उधर परेल में, टाटा हॉस्पिटल में, 4 बच्चे हैं मेरे। तो आप ही परवरिश करती हैं? हाँ। क्या कह रहे थे, आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम, मैं तो इधर ही रहती हूँ, काली माता मंदिर पे। सुनिए, आपका नाम बताइए, क्या हुआ, आप क्या चाहती हैं? वो उसको सजा होना चाहिए, गोली खड़े खड़े मार दे तो कुछ मिले, लटका दो उसको। आज हमारे पचन की बेटी है, ऐसा नहीं, फांसी होना चाहिए। फिर आप सभी एक ही मांगे, पार्टी काट दो, मेरा तो एक ही कहना है कि ऐसे लोगों का, ऐसे रेपसिस का प्राइवेट पार्ट काट दो, या फांसी दे दो उसको चौराहे पे लाके। मेन बात, जब अभी कुछ दिन हो गया, अभी बदलापुर का मैटर हो गया है, इतनी छोटी छोटी बच्ची, जब सब ये कर रहे हैं कि छोटे कपड़े पहन के लड़कियां निकल रही है, जींस पहन रही है, ये पहन रही है, छोटी छोटी 3-4 साल की बच्ची, क्या पहन के निकली थी? मेन बात, हाँ, क्या मिला उन लोग को? कहने का मतलब ये है, जब ऐसे यहाँ पर इतने सारे केस होते जा रहे हैं, आज तो वो लड़की ने हिम्मत करके बोल दी तो इनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। हाँ, 2 दिन से पहले से वो आदमी उसके साथ में कांड कर रहा था, उसका चाचा, 2 दिन पहले से उसके साथ में सब चल रहा था, वो 3रे-4थे दिन जाके अपनी माँ को बोली है। हाँ, तो पता ही नहीं था कि अगर वो नहीं बोलती, और अगर वो नहीं बोलती कई दिनों तक, शायद नहीं पता चलता। वो अल्लाह जाने क्या हिम्मत करके बोल दी। हाँ, अगर वो डर के सिमट के, कितने लोग होंगे एक्चुअली, कितने होंगे, कितने बच्चे होंगे, क्योंकि हम किससे सुरक्षित करें, हमारे घर में ही है। जब खुद का चाचा वो कर सकता है तो हम बाहर वाले से क्या बचाए, जब घर वाले ऐसे निकल रहे। कहने का मतलब है कि घर वाले ही ऐसे। कितना डर लगता है आप लोग? बहुत डर है, मेरी खुद की जवान लड़की है, हम नीचे नहीं भेज रहे, कहीं बाहर नहीं निकाल रहे, क्योंकि डर है। जब इतने छोटे 3-4 साल के बच्चों को हो सकता है, तो हमारे 15-16 साल की लड़की कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप लोगों को मुंबई पुलिस ने एक निर्भया स्क्वाड निकाला, उसका पता है कुछ? नहीं, उसका कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आपकी मांग क्या रहेगी? क्योंकि दरअसल हमने जब हैदराबाद में एक मामला देखा था, तेलंगाना में, वहाँ पर जब गुना सिद्ध हो गया था तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने सीधा इनकाउंटर कर दिया था। तो इसी तरीके से अगर गुना सिद्ध हो जाता है, पता चलता है ये आरोपी है, तो क्या कोर्ट के तारीख, फिर तारीख पे तारीख, इसका इंतजार करना चाहिए या कुछ फास्ट ट्रैक? देखिए, मेरा एक मतलब है, हर जगह का कानून जैसे हो रहा है, जैसे बाहर देश में डायरेक्टली गोली मार रहे हैं चाइना में, जैसे बाहर देश में, हमारे देश में क्यों नहीं कानून लागू हो रहा है? कहने का मतलब है कि क्यों नहीं हो रहा हमारे देश में? एक से बढ़कर एक, अभी 15 दिन में इतने सारे सुनाई दे रहा है कि पूछो मत। कलवा में हो रहा, कहीं बदलापुर में हो गया, और अभी जैसे कलकत्ता में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह, पूरे देश भर में। क्यों नहीं कानून बदल सकता, जब नोटबंदी हो सकती है तुम्हारी? एक दिन में नोटबंदी हो गई, एक दिन में लॉकडाउन लग गया है, हाँ, एक दिन में सरकार चेंज हो गई है भाई, और क्या चाहिए? एक दिन में कानून क्यों नहीं चेंज हो सकता? कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सब, ये बताइए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, तो लड़की ने किसको इस चीज की जानकारी दी? सर ये बताए, पुलिस को बताए, किसको बताए? पुलिस को बताए, रिपोर्ट भी उन्होंने लिखी,
अभी कहाँ, अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं आप लोग? हाँ पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो बहरहाल आपने इन लोगों को सुना। साफ तौर पे ये कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में पहली बात तो किसी को निर्भया स्क्वाड के बारे में नहीं पता है, और दूसरी बात ये अभी इस क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। निर्भया स्क्वाड एक ऐसा स्क्वाड बनाया गया था साकी नागा के मामले के बाद से, और उस स्क्वाड को निर्भया स्क्वाड नाम दिया गया ताकि महिलाओं को सुरक्षा अच्छे से मुहैया कराई जा सके। मगर कहीं ना कहीं अब इन तमाम महिलाओं के दिल में आप देख रहे किस प्रकार से एक डर बना हुआ है। अपने बेटी और बच्चियों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, और लगातार जो रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार और प्रशासन को इस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक विचार करना चाहिए, और ऐसे जो गुनहगार हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से तमाम महिला इकट्ठा हुई थी, और ये महिला डर के मारे ही बाहर आई हुई हैं, क्योंकि इनका ये मानना था कि कल वो बच्ची के साथ हुआ है तो कल इनकी बच्ची के साथ भी हो सकता है। इसके लिए आप आवाज उठाना क्या करें, छोड़ रहे हैं। हाँ, उन लोग की वजह से आप अपना बेटी नहीं घर से बाहर निकलने दे रहे हैं कोई। दिनों में अब देश में कुछ दिनों में अब देश में ऐसा माहौल हो गया है कि महिला और आप अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, 15 दिन से लगातार यही सुनाई दे रहा है। कलकत्ता से जब ऐसा हुआ कि डॉक्टर हुआ, 15 पुर में हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अपने पास भी बेटी है तो जो ऐसा कर रहा तो उसको फांसी दे। हाँ, फांसी। हाँ हाँ, पब्लिक के हवाले कर, सुने उसको तोड़े, पब्लिक के हवाले करे, पब्लिक के हवाले करे पकड़ के। आप लोग कहाँ रहते हैं, उसके घर के आसपास रहते हैं जो बच्चे? हम लोग इधर रहते हैं। हम आई भाजी ले तो इधर सुनी तो खड़ा हो गया कि क्या हो गया ऐसा, हम आसपास हैं। आप लोग जैसे कि एक जुल्म हुआ इसके खिलाफ आवाज उठाने को खड़े हो गए आप? हाँ, इसके लिए कि क्या हो गया, मतलब इधर पब्लिक, हम तो काली माता मंदिर पे रहते हैं, बहन बेटी सब लोग के पास बहन बेटी है, यहाँ सब सुरक्षा होना चाहिए ना। इसकी भी बहन बेटी हो तो सबके बराबर उतना है। पुलिस को इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। हाँ, ताकि आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते। हाँ हाँ हाँ, फिर वही ना। बहरहाल आपने सुना लोगों को खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, अपने घर की बच्चियों को बाहर नहीं जाने दे रही हैं। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है और इस क्षेत्र में रूटीन बढ़ाता है, और किस तरीके से लोगों में एक हैवानियत सा छा चुका है, और इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देश भर में इस तरीके की महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन क्या कुछ करती है और इस घिनौनी वारदात पे किस तरीके से लगाम लगाती है। कैमरा पर्सन आमिर सैयद के जैन सैयद, मुंबई टीवी।